रामनगरा की तस्वीर बेंगलुरु से अलग नहीं दिखती, भले ही 2007 में बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से अलग कर रामनगरा को तब के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अलग जिले का दर्जा दे दिया हो, लेकिन इसके बावजूद रामनगरा को कभी बेंगलुरु से अलग नहीं समझा गया। बेंगलुरु की महानगर पालिका का हिस्सा बनने से यहां रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे और शहर का विकास भी रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा मानना है उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार का। जिले का नाम और गौरव को बनाए रखने के लिए हमने रामनगर, मागड़ी और कनकपुरा में स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की है और हमने सीएम को एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि रामनगर की बजाय इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला रखा जाए, हालांकि रामनगर जिला मुख्यालय के रूप में ही रहेगा। यानी अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो रामनगरा, मागड़ी और कनकपुरा तीनों क्षेत्र बेंगलुरु के दक्षिणी जिले का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को राम नाम पसंद नहीं है, इसीलिए वो रामनगरा का नाम बदलना चाहते हैं। एवरीथिंग विल गो, इट्स ओनली रियल एस्टेट इंटरेस्ट ऑफ दिस डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड दिस एंटायर गवर्नमेंट, ऑल मिनिस्टर्स। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और नेताओं का इंटरेस्ट रियल एस्टेट के धंधे में है, बस इसीलिए ये सब हो रहा है। और ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति है और राम नाम का कांग्रेस हमेशा विरोध करती आई है। एगेंस्ट द नेम ऑफ रामा, लॉर्ड रामा इटसेल्फ, सो दे वांट टू चेंज इट। वो कलेगांव के वर्चस्व वाले रामनगरा में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश तीनों ही वो कलेगा नेता कर रहे हैं, यानी एचडी कुमारस्वामी, डॉक्टर अश्वथ नारायण और डीके शिव कुमार। इन तीनों के बीच चल रही खींचतान की वजह से फिलहाल रामनगरा में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया।